इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स को लेकर, कल का टारगेट क्या हो सकता है और कितना परसेंट गिरावट करेगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आज थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, अभी लाइव मार्केट का वीडियो है। इसने जो ऑल टाइम हाई किया था 1179 का, उसके बाद ही टाटा मोटर शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी 20% गिरावट कर दिया टाटा मोटर स्टॉक ने। स्टॉक के रिलेटेड इन्वेस्टर का दिल तोड़ दिया है। अगर दोस्तों आपका लॉस हो रहा है तो होल्ड करने के सिवा इसमें कुछ नहीं है। हम सभी को पता है कि टाटा मोटर स्टॉक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल अगर बाजार ओपन होता है तो इसका जो 1000 का जो रजिस्ट्रेशन लेवल है वो अगर पार करता है तो शेयर में तेजी आ सकता है, जैसे 1200, 1300 एंड 1500 का टारगेट दिखा सकता है। अगर आप दोस्तों प्रॉफिट करना चाहते हैं तो भाई एक साल या दो साल के लिए छोड़ दो, लग्न टाइम के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अभी शेयर नहीं गिरेगा, अभी 1% या 2% गिरावट करेगा, फिर से तेजी आएगी, डरो मत और लंबे समय तक होल्ड रखो। आप 1500 का टारगेट रख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। दोस्तों अपना ख्याल रखना, और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है।